हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बाबा योगेंद्र देव आईटीआई तारामंडल। आज के इस सेक्शन में हम लोग वैद्युत मापक यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सभी जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके करंट, वोल्टेज, पावर फैक्टर आदि जिसे मापा जाता है, उन सभी के कंस्ट्रक्शन और नियम के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से वो कार्य करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम देखिए, जैसे कि वैद्युत मापक यंत्र, वह यंत्र जो बेसिकली वोल्टेज, करंट और एनर्जी को मापता हो, क्या कहलाता है, हमारा वैद्युत मापक यंत्र कहलाता है। यानी कि जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम वोल्टेज को, करंट को और हमारे एनर्जी मतलब क्या होता है, एनर्जी की भाषा आप लोग क्या जानते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली वन फॉर्म टू अदर फॉर्म टू चेंज। यानी कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना तो नष्ट की सकती है, एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित की जा सकती है। वोल्टेज के बारे में बताया, वोल्टेज का मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है, और धारा क्या होती है, धारा का मात्रा क्या होता है, आई, जिसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से। इसको इसकी मात्रा क्या होती है, एम्पियर होती है। क्या होती है, इसकी मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जिस यंत्र के द्वारा हम वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस को नाप लेते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा वैद्युत मापक यंत्र कहलाता है। ठीक है, ये जो बेसिकली होते हैं, ये कई प्रकार के, कह रहा है कि ये यंत्र विभिन्न विद्युत धारा के विभिन्न प्रभावों पर कार्य करते हैं। जैसे कि विद्युत प्रभावों के विभिन्न मतलब कहना है कि डीसी पे कार्य करता है, एसी पे कार्य करता है, इलेक्ट्रोसिस होता है। ठीक है, इसमें कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि वैद्युत मापक यंत्रों की कमानी के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त धातु, कमानी का मतलब क्या कह रहा है कि जो स्प्रिंग होती है, हेलिकल स्प्रिंग होती है, इस तरीके की संरचना की होती है, इस तरीके की संरचना ही होती है, ये इसी की बात कर रहा है। ये बेसिकली स्प्रिंग होती है, हेलिकल स्प्रिंग, इसको हम बनाते हैं किस चीज़ का बनाते हैं, फॉस्फर ब्रोंज क्या होता है, बहुत अच्छा मटेरियल होता है जो आसानी से करंट को फ्लो कराता है, ऐसा सकता है। ठीक है, कह रहा है कि किसी वैद्युत प्रभाव से किसी वैद्युत राशि को मापने के लिए यंत्र में जो युक्ति लगी होती है वो क्या कहते हैं, सेंसर कहते हैं। जैसे सेंसर के बारे में मैंने बताया था, क्या करता है, सेंस करता है किसी सर्किट में कौन सी करंट फ्लो कर रही है, किसी सर्किट में कौन सी करंट फ्लो कर रही है, सेंस कर लेता है, एसी या डीसी मतलब वो सेंस करता है। और एक होता है रिले क्या करता है, रिले करता है, सेंस करता है और सर्किट को ऑफ करता है। यानी बेसिकली रिले तरीके का स्विच गियर प्रोटेक्शन है। ठीक है, विद्युत मापक यंत्र दो प्रकार के होते हैं, यानी कि बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी होता है और एक होता हमारा सेकेंडरी होता है। ठीक है, प्राइमरी होता है, एक होता हमारा सेकेंडरी। ठीक है, ठीक, अब देखिए कह रहा है इसमें कि प्राइमरी यंत्र किसे कहते हैं, वो यंत्र जो किसी सूचक युक्ति के द्वारा किसी वैद्युत राशि की केवल उपस्थिति को दर्शाता है, जैसे चुंबकीय। जैसे मान लो आप प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, जैसे मान लो ये हमारी डायल होता है और ये हमारा होता है, ये क्या करता है कि इसके सूचक को दर्शाता है। इट मीन्स करंट इसमें फ्लो कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है हमारा, बेसिकली हमारा क्या है कि जैसे गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर बेसिकली गैल्वेनोमीटर का सिंबल इस तरीके से होता है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, किसी सर्किट में ये डिटेक्ट करता है कि यहाँ करंट है या नहीं है। यानी किसी सर्किट में क्या होता है, एक सुई लगी होती है विक्षेपक वाली, बीच में ऐसे करके कर्दम मूव कर जाता है, इससे पता चल जाता है कि हाँ किसी सर्किट में क्या हमारा होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है अन्यथा नहीं फ्लो कर रही है। ठीक है, तो वही क्या कह रहा है कि वह यंत्र जो जिसके द्वारा केवल ये पता चल जाता है कि हाँ किसी सूचक के रूप में, यानी कि इंडिकेशन नहीं होता आपके घरों में लगा होता है स्विच बोर्ड के किनारे, उसी की तरह से कह रहा है कि वह यंत्र जो किसी वैद्युत राशि की केवल उपस्थिति को दर्शाता है, यानी कि जिससे ये पता चल जाता है कि सर्किट में यह करंट फ्लो कर रही है या फिर ये पावर है जो भी है वो क्या कहते हैं, जिस चुंबकीय सुई है या करंट हमारा गैल्वेनोमीटर होता है। ठीक है, अगला कह रहा है वह युक्ति जिसके द्वारा हम वैद्युत राशि को मापते हैं, जैसे एमीटर, वोल्टमीटर, ये क्या बोलते हैं, जिसे सेकेंडरी कहलाती है, जिसे वोल्टेज किसी युक्ति यानी कि वोल्टेज को मापने के लिए, करंट तो वोल्टेज को मापने के लिए किसका वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं, किसका वोल्टमीटर का, और करंट को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, करंट को मापने के लिए हम क्या करते हैं, एमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, एक चीज़ जानते हैं हम लोग, वोल्टमीटर को हमेशा किस में लगाते हैं, मान लो हमारी ये हमारी सप्लाई लाइन गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये लाइव वायर है, तो हम वोल्टमीटर को कनेक्ट करेंगे तो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, वोल्टमीटर को हमेशा किस में करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे लोड लगा हुआ है कोई, क्या वहाँ पे लोड लगा हुआ है, तो हमारा क्या होता है वोल्टमीटर होता है, वोल्टमीटर में क्या होता है हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, जबकि एमीटर किस में लगाते हैं, एमीटर को लगाने के लिए क्या करते हैं, ये हमारा सप्लाई लाइन है। ठीक है, ये हमारा सप्लाई लाइन गई यहाँ से, ठीक है,
और यहाँ पे क्या लगा देंगे, एमीटर लगा देंगे हम, क्या लगा देंगे एमीटर। यहाँ पे क्या हमारा लोड लगा देते हैं, ये लोड RL जिसे क्या कहते हैं, लोड रेजिस्टेंस बेसिकली कहते हैं। कोई भी हो सकता है, हीटर हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, कूलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये क्या करता है, फ्लो करता है, यानी कि इसी सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है ये मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक चीज़ बात जान गए आप लोग, एमीटर किस में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, और वोल्ट मीटर को किस में लगाते हैं हम लोग, पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो होते ये जो सेकेंडरी टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है इंडिकेटिंग होता है, रिकॉर्डिंग होता है, और इंटीग्रेटिंग होता है। ठीक है, जो इंडिकेटिंग होता है बेसिकली इंडिकेटिंग, इंडिकेटिंग किसे कहते हैं, किसी डायल पे, जैसे मान लीजिए हमारी एमीटर हुआ, सपोज करो ये नाप लिया, यहाँ पे मान लो यहाँ पे बना हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी क्या है एम्पियर में है, सभी एम्पियर में है। पहला कि किसी तत्कालिक मान के संकेत के रूप में पैमाने पर प्रदर्शित करता है कि कोई सर्किट है उसमें जितना लोड है उसी हिसाब से करंट फ्लो करेगा ना। तो वो मान लो सपोज को यहाँ पे नाप लिया, यानी क्या दिखाते हैं 6 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, यानी कि इंडिकेट कर रहा है कि ये इंडिकेट यहाँ से कर रहा है कि 6 एम्पियर फ्लो रही है, 8 एम्पियर फ्लो कर रही है, 10 एम्पियर फ्लो कर रही है, 4 एम्पियर, जो भी करंट लोड के हिसाब से ही करंट बढ़ती है। ठीक है, तो ये हमारा बताता है एक तरीके से तत्कालिक मान के, कह रहा है कि वो यंत्र जो किसी वैद्युत राशि के तत्कालिक मान को एक संकेत के द्वारा एक पूर्वांकित पैमाने, पूर्वांकित मतलब क्या कहलाता है कि एक पैमाना पहले से ऑलरेडी बना हुआ है, इस पर पूर्व अंकित मान ऑलरेडी से है, किसी सर्किट में जो करंट फ्लो हुई ये दिखा देता है कि हाँ भाई इस सर्किट में इतना करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, जैसे कि एमीटर, वोल्टमीटर, मेगर क्या कहता है, मेगर से क्या नापते हैं, रेजिस्टेंस मापते हैं, हाई रेजिस्टेंस मापने के लिए मेगर का उपयोग करते हैं, और उसका उपयोग हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए भी, इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए भी नापने के लिए उपयोग करते हैं। वाटमीटर से क्या नापते हैं, पावर नापते हैं, किसी सर्किट में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, वाटमीटर से कितना 2000 वाट का, 3000 वाट का कितना करंट, मतलब एक बल्ब है तो उसके थ्रू कितना पावर कंज्यूम हो रहा है तो वो नापता है, 200 वाट, 300 वाट। ठीक है, वही बात कर रहे हैं, यानी कि वो उसमें भी क्या करता है, इंडिकेटर लगा होता है सभी चीज़ में, ये बताता है कि हाँ 2000 किस तरीके, मान लीजिए यहाँ पे 200 पे है, यानी कि 200 एम्पियर करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, 240 वोल्ट है, 240 वोल्ट सर्किट में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ये वोल्ट दिखा देता है। ठीक है, अगला कह रहा है रिकॉर्डिंग यंत्र, यानी कि वो यंत्र जो किसी वैद्युत राशि के तात्कालिक मान को ग्राफ पेपर पर अंकित करता है, जिसे रिकॉर्डिंग वोल्टमीटर, एक होता है रिकॉर्डिंग वोल्टमीटर होता है हमारा बेसिकली, सही सही से चलता रहता है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि वो यंत्र जो किसी वैद्युत राशि के तात्कालिक मान को एक ग्राफ पर अंकित कराया जाता है, जैसे रिकॉर्डिंग वोल्टमीटर हमारा होता है। अगला होता है हमारा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या है, वो यंत्र जो किसी वैद्युत राशि के प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता है, यानी कि मान लो हमारा ये हमारा हाउस है, इसमें आपका बल्ब लगा होगा, हीटर लगा होगा, फ्रिज लगा होगा, कूलर लगा होगा, एसी लगा होगा, गीजर लगा होगा, सब कुछ लगा हुआ है, ये हमारा सर्किट है, हमारा सभी जब इसमें जुड़े हैं ना, कनेक्टेड है, सीबी पैनल में आपस में कनेक्टेड है, ये हमारा एनर्जी मीटर है, और ये हमारा पोल है, तो यहाँ से इसमें सप्लाई गई है ना, ऐसे सप्लाई आई है ना ऐसे, अब यहाँ पे ये क्या करता है कि इस सर्किट में कितनी कुल एनर्जी कंज्यूम हुई, यानी कि प्रेक्षण काल, यानी कि टोटल जितना देर चला उसके अंतर्गत कुल कितना एनर्जी कंज्यूम हुई उसको क्या करता है, ये माप लेता है, और उसी के हिसाब से आपके घरों में क्या करता है, बिल आता है, यानी कि बिजली का बिल आता है और आप लोग क्या करते हैं, पे करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक एनर्जी को मापता है, तो इसके जैसे कि KWH किलोवाट आवर मीटर, ऊर्जा मीटर एनर्जी मीटर की बात कर रहे हो। ठीक है, हाँ यूनिट में नापते हैं, जैसे मान लो सपोज करो 1000 वाट आया आपका एक दिन का कंज्यूम शक्ति क्या है, 1000 वाट है, यानी कि एक यूनिट बिजली आपने क्या कर दिया, एक दिन में कंज्यूम कर दिया, 30 दिन के मान लो एक दिन में आपने एक यूनिट यूज़ किया तो 30 दिन में 30 यूनिट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम आपको बताते हैं, तो मैंने बताया प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट बताया, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट बताया, प्राइमरी एक प्रकार वो यंत्र जो किसके द्वारा केवल किसी सर्किट में उपस्थिति को दर्शाता है, जैसे गैल्वेनोमीटर के बारे में बताया, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट बताया वो किसी विक्षेप की शक्ति को मापता है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंडिकेटिंग होता है जो केवल ये दर्शा देता है कि हाँ इतना करंट फ्लो होता है, इंटीग्रेटिंग होता है हमारा उसका रिकॉर्डिंग यंत्र होता है, रिकॉर्ड कर लेता है तत्कालीन में करंट सिचुएशन मान को रिकॉर्ड कर लेता है और किसी सर्किट में बता देता है। ठीक, अगला होता है हमारा इंटीग्रेटिंग, यानी कि जो उस यूज टाइम में जितनी एनर्जी कंज्यूम हुई उस एनर्जी मीटर या किलो वाट आवर मीटर के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, माप लेते हैं कि हाँ इतनी एनर्जी कंज्यूम हुई। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि विद्युत परिपथ के सांकेतिक यंत्रों की आवश्यकता,
यानी कि सांकेतिक यंत्रों की आवश्यकता है क्या क्या होती है। तो इसमें हमारा दो तीन चीज़ होता है। एक होता है डिफ्लेक्टिंग टार क्या कहलाता है। डिफ्लेक्टिंग टार को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं लोग, ठीक है। टार तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है डिफ्लेक्टिंग टार, और एक होता है कंट्रोलिंग टार, और एक होता है डैम्पिंग टार, ठीक है। तो डिफ्लेक्टिंग टार टी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफ्लेक्टिंग टार को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी डी से, ठीक है। और कंट्रोलिंग टार को कहते हैं टी सी से, और डैम्पिंग टार को किससे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, टी एफ से, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि डिफ्लेक्टिंग टार सूचक को शून्य की स्थिति से विक्षेपित करने के लिए विक्षेपित टार की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा सूचक दिख रहा है आपको, देखिए ये हमारा क्या है, सूचक है ना, ये सूचक है। कह रहा है इसको मान लो सपोज करो शून्य से स्थिति, पॉइंटर स्केल हमारा ये जीरो था हमारा, यहाँ पे पहले सब किस कंडीशन में यहाँ पे था, अब यहाँ से यहाँ तक इसको विक्षेपित करने के लिए जिस टार्ग की आवश्यकता होती है, यानी कि सपोज करो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे स्टार्टिंग कंडीशन में जीरो था और यहाँ पे कुछ समथिंग है, अब कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक इसको विक्षेपित करने के लिए जिस टार्ग की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, डिफ्लेक्टिंग टार कहते हैं, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टार कहते हैं। यहाँ पे देखिए दो पोल हैं, एक होता है हमारा एन एस पोल और एन है, और ये हमारा क्या है, एस पोल है, ठीक है। ये हमारा परमानेंट मैग्नेट होता है, और ये हमारा मूविंग कॉयल है, ये हमारा क्या है, मूविंग कॉयल है। और ये देखिए मैं स्प्रिंग के बारे में बताया, स्प्रिंग हेलिकल स्प्रिंग है ना, ये वाली ये हेलिकल स्प्रिंग है, किसकी बनी होती है, हमारी फास्फर ब्रोंज की बनाई जाती है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, निडिल, ये हमारा क्या है, निडिल 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 है ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे जीरो से हमारा और यहाँ तक आया, तो इस यहाँ से यहाँ तक लाने में जिस टार की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, डिफ्लेक्टिंग टार। जीरो से पॉइंट जीरो से स्थिति तक लाने में जिस टार की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, डिफ्लेक्टिंग टार कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि इसे चुंबकत्व के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। चुंबकत्व के द्वारा उत्पन्न करने का मतलब क्या है, कि जैसे मान लो किसी भी सर्किट में जब किसी भी सर्किट में क्या होता है, जब करंट जब किसी सब मान लो कोई सर्किट हमारा है तो जिसमें करंट फ्लो करेगी तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना, चुंबकत्व उत्पन्न होगा ना, ऐसे इसमें भी होता है, जैसे इसमें करंट आता है मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, और परमानेंट मैग्नेट होता ही है, और क्या करता है इसमें पॉइंटर को दर्शा देता है, ठीक है। अगला कह रहे हैं विद्युतीय प्रेरण तथा विद्युत के उसमें प्रभाव से उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि विद्युतीय प्रेरण के उसमें इलेक्ट्रो विद्युतीय प्रेरण तथा विद्युत के उसमें प्रभाव से इसको क्या कर सकते हैं, उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है ठीक है, उसको उत्पन्न किया जा सकता है। अब आते हैं हम कंट्रोलिंग टार पर, कंट्रोलिंग टार की बात समझते हैं। जिसे मैंने बताया कि ये हमारा सपोज करो कि एक सेकेंड, ये हमारा ये टार्क है हमारा, ये हमारा इंडिकेटर है, जीरो से यहाँ तक विक्षेपित हो गया, ठीक। अब जीरो से विक्षेपित हो गया तो उसके बाद क्या कहें, ये तो हमारा टी डी कहला गया, शून्य से इस स्थिति तक लाने में जिस टार्क की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, टी डी कहते हैं। अब इस इंडिकेटर को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यानी कि जो हमारा पॉइंटर है इधर उधर ना हो, यानी कि एक्यूरेट मान को दर्शाए, करेक्ट मान को दर्शाए, उस स्थिति में हमें किस टार की आवश्यकता होती है, कंट्रोलिंग टार की आवश्यकता होती है, किस टार की आवश्यकता होती है, कंट्रोलिंग टार की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब यहीं भी देखे लिखा है कि विक्षेपक टार उत्पन्न होने के बाद सूचक की गति को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक टार की आवश्यकता हो। सूचक मतलब क्या है, इस निडल की बात कर रहा है, निडल सुई की बात कर रहा है, इसको नियंत्रित करने के लिए यानी कंट्रोल करने के लिए जिस टार की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, नियंत्रक टार कहते हैं, ठीक। अगला कह रहा है इसमें कि नियंत्रक टार विक्षेपक टार का विरोध करता है, यानी जो टी सी होता है, टी सी क्या करता है, टी डी क्या करता है, विरोध करता है, टी डी क्या करता है, हमेशा अपोजिट रहता है, हमेशा क्या करता है, टी डी को डिफ्लेक्टिंग टार क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है। विरोध करेगा तभी तो उसे कंट्रोल कर पाएगा। भाई मान लो दो दोस्त हैं, अगर एक गलत काम करने जा रहा है या कुछ भी काम करने जा रहा है तो दूसरा दोस्त रोकेगा तभी तो कंट्रोल उसी को कंट्रोल कहेंगे ना, कंट्रोल करता है, वही कह रहा है कि टी सी हमेशा क्या करता है, टी डी का विरोध करता है, ना कि टी डी टी सी का, टी सी क्या करता है, टी डी का विरोध करता है। कह रहा है कि इसे स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली तथा गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली द्वारा उत्पन्न किया जाता है, यानी कि इसको स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली से या गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली से उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए इसके दो मेथड यहाँ पे बताए हुए हैं,
देखिए यहाँ पे सुई हमारी है, ये निडिल है, ये हमारा हेलिकल स्प्रिंग होता है, ये संकेतक है, यहाँ से टीडी है, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली। इसमें क्या है, स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली है, ठीक है। एक मिनट, गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली, ठीक है, चलिए इसी बताते हैं। तो यहाँ पे क्या, स्प्रिंग के माध्यम से करंट जाता है तो फ्लो करता है, उस हिसाब से क्या करता है, इसको कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। ये होता है गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली। यानी कि अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस पॉइंटर के इस साइड में अगर करते हैं भार लगा देते हैं, क्या करते हैं हम लोग, भार लगाते हैं, कितनी भार लगा देते हैं, ठीक है। जिससे ये जब आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो उसको क्या करते हैं, भार के हिसाब से क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। कि जो निडिल होती है हमारी, इसकी चौड़ा थोड़ा बना देते हैं, इसे क्या कहते हैं, कंट्रोल होता है आसानी से, बताता है गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली क्या लगता है। अब देखिए, इन दोनों के थोड़ा सा वो अंतर बताए गए हैं। कह रहा है कि इसकी कमानी प्रॉस्पर ब्रंच की बनी होती है। कमानी यानी कि स्प्रिंग की बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि क्या कह रहा है, इसकी किसी बंद प्रॉस्पर ब्रंच की बनी होती है। इसमें कह रहा है कि गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली उपयंत्र को केवल ऊर्ध्वाधर स्थिति में, यानी कि केवल पोर्टेबल, जैसे ऊर्ध्वाधर, जैसे आप लोग लैब में नहीं वो लगा हुआ है पैनल पे सभी लगे हुए हैं, उस तरीके की पोर्टेबल, इसको क्या कर सकते हैं, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल स्थिति में लगा सकते हैं, ठीक है। ये लाइट में हल्का होता है, ये इसको ये वाला क्या होता है हमारा, जो कमानी वाला होता है, ये क्या होता है हमारा, लाइट में हल्का होता है, नहीं लाइट वेट हल्का होता है, बहुत ही सस्ता हल्का होता है। ये क्या होता है, वजन में भारी होता है। ये होता है, इसका उपयोग पीएमसी यानी कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल और डायनोमीटर यंत्र में करते हैं। यानी कि इसको पीएमएमसी और डायनोमीटर टाइप यंत्र दोनों में उपयोग इसे कर सकते हैं। ये क्या होता है, इसका स्केल प्रारंभ में सघन तथा बाद में विरल तथा क्रैम्प स्केल होता है, यानी कि यूनिलीनियर होता है, लीनियर नहीं होता है, ठीक है। इसका ये इसका क्या होता है, स्केल यूनिफॉर्म होता है, इसका होता है नॉन यूनिफॉर्म होता है। इसका मतलब ये है कि इस तरीके से समझो कि जैसे मान लो हमारी ये ऐसे है, ठीक। इसके बाद प्रारंभ एकदम नज़दीक नज़दीक में इसका दिखाया जाता है, ठीक है ना, और बाद में क्या होता है, दूर दूर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, ये वाला नहीं, गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। और इसका क्या होता है, ये यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, इसके स्केल क्या होता है, बराबर सभी जो माप क्या होते हैं, बराबर दिखाए गए हैं, ठीक है। ये क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। तो कह रहा है इसमें कि इसका उपयोग पीएमसी तथा डायनोमीटर यंत्र में कर सकते हैं। इसका उपयोग किसमें कर, इसका स्केल प्रारंभ में सघन तथा बाद में विरल तथा क्रैम्प्ड स्केल होता है, क्रैम्प्ड स्केल इसको भी कहते हैं। इसका स्केल का होता है यूनिफॉर्म होता है, इसका क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। इसकी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बताया मैंने। कह रहा है कि जो थीटा होता है, यानी कि जो थीटा होता है, एंगल एंगल जो होता है इस वाले में, आई के क्या होता है, प्रोपोर्शनली होता है। यानी कि आई जितना बढ़ेगी, थीटा भी उस सबसे क्या होता है हमारा, बढ़ता है, ठीक है। कह रहा है कि इसमें तापमान का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इस पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि करंट के फ्लो करेगा उस हिसाब से जो हमारी कमानी होती है, यानी कि स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग होती है, उसी हिसाब से कंट्रोल होता है ना, ठीक है। अगला चलते हैं, डैम्पिंग टार किसे कहते हैं, यानी कि जब सूचक पर विक्षेपक और यानी कि डैम्पिंग विक्षेपक और नियंत्रण टार्क लगता है तो उसमें कंपन उत्पन्न हो जाता है, जिसे डैम्पिंग टार्क को रोकता है। जैसे मान लीजिए जब यह कंट्रोल करता है, तो जैसे सपोज करो, जैसे मान लो हमारी ये टी स्प्रिंग है, जब यहाँ पे जुड़ी स्थिति से यहाँ तक आया तो टीसी कंट्रोल किया, मान लो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी वाइब्रेट, हल्का हल्का वाइब्रेट करेगा, और हमारा एग्जैक्ट मान नहीं हमें प्राप्त हो सकेगा, ठीक है। अब तो हम डिजिटल सभी मीटर आ गए हैं जो एग्जैक्ट मान बता देते हैं, पॉइंट टू पॉइंट मान बता देते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट मान नहीं प्राप्त करेगा। उस स्थिति में हमें डैम्पिंग टार की आवश्यकता होती है, यानी कि जो परफेक्ट वैल्यू हो वही हमें मान में प्राप्त हो सके, ठीक है। अगला कह रहा है इसमें, यह सूचक को विरामावस्था में लाता है, यह सूचक को क्या लाता है, विरामावस्था में लाता है, यानी कि क्या करता है, एक जगह फिक्स करता है। मैंने पहले बताया इसमें, इसे वाई घर्षण तथा एडी करंट तथा द्रव घर्षण द्वारा उत्पन्न किया सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि एडी करंट होता है, वाई वाला सिस्टम होता है, एडी करंट होता है और द्रव घर्षण। अभी सभी बारे में, तीनों बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। सबसे पहले वाई घर्षण प्रणाली देख लेते हैं। सपोज देखिए, यह हमारे को होता है वैक्यूम, एक पिस्टन होता है हमारा, वैक्यूम पिस्टन होता है, इसमें क्या ऐसे लगा होता है, ऐसे घिंचते हैं इसको, ठीक है। और ये हमारे संकेतक होता है, ठीक है। जितना करंट फ्लो करेगा, मान लो सर्किट में वोल्टेज, जो भी करंट जो भी फ्लो कर रहा है, यहाँ पे इसका आया, अब यहाँ पे आया, उसके बाद देखा करता है, इसके हिसाब से वैक्यूम कंट्रोल कर लेता है, यानी कि इसको डैम्पिंग के, यानी कि इधर उधर मूव करने से क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। आई बस समझे ना, तो ये हमारा क्या कहता है, वाई घर्षण प्रणाली कहता है, और ये हमारा कहता है एडी करंट सिस्टम कहलाता है, ठीक है। ये स्केल होता है, ये संकेतक है, ये कमानी है, यहाँ पे इस लगा हुआ है, ये क्लिप धुरी है, एल्युमिनियम का हमारा क्या होता है, डिस्क होता है हमारा। आई बस समझे, ठीक।
ये देखिए वाई घर्षण, ये एयर चेंबर होता है, पिस्टन लगा होता है, वाई दबाव सदा इसकी गति का विरोध करता है, यानी कि जो हमारी ये स्केल होती है इसकी गति का क्या करता है, जो हमारा ये पिस्टन लगा हुआ था ऐसे करके ऐसे कंट्रोल था, ये क्या करता है, इसकी गति का हमेशा क्या करता है, विरोध करता है, विरोध करेगा तभी तो इसको फिक्स स्थिति में ला सकेगा। इसका उपयोग छोटे इंस्ट्रूमेंट में करता है, यानी कि जो छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहीं पर इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, कह रहा है कि भंवर धारा एडी करंट वाला सिस्टम क्या कराता है। एडी करंट में देखिए, एडी करंट में क्या होता है कि ये हमारा एक एलुमिनियम का डिस्क है, ये हमारा क्या है, एक एलुमिनियम का डिस्क है, ठीक है, और ये हमारा क्या है सिस्टम, ठीक। ये अवमंदन की बहुत ही प्रभावपूर्ण विधि, यानी कि सबसे बेस्ट मेथड होता है, यानी कि किसी कंट्रोल का डैम्पिंग करने के लिए। यह विद्युत चुंबक की प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें तांबे, एल्युमिनियम में तांबे की चकत्ती का प्रयोग करते हैं, इसमें ज्वेल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ज्वेल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। अब द्रव घर्षण प्रणाली देख लीजिए, ये हमारा क्या एक पार्ट गोल का बनाया गया है, ये हमारा क्या है लकड़ी का है, लकड़ी या किसी स्प्रिंग का बना होगा, ठीक है, जो भी बना होगा, इससे क्या होता है हमारा पॉइंटर हमारा कनेक्ट होता है, इससे हमारा क्या है पॉइंटर कनेक्ट है, ठीक। अब क्या है यहाँ पे आया, तो ये उस हिसाब से मूव करता है, यानी कि जब फाल ज़्यादा करंट वाइब्रेट करेगा तो उसे कंट्रोल करने के लिए करते हैं, इसमें तेल लगा होता है, तेल का पात्र होता है, तो इसमें घूमता है तो क्या करता है उसको कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। अगला, इसमें इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग बड़े इंस्ट्रूमेंट में अधिक डैम्पिंग उत्पन्न करने के लिए करते हैं, यानी कि अधिक डैम्पिंग टार्क उत्पन्न के लिए उत्पन्न करते हैं। इसे उच्च क्षमता वाले द्रव का प्रयोग करते हैं, हाई विस्कोसिटी वाले तेल आयल का उपयोग करते हैं, इसका उपयोग करने से इसका वजन बढ़ जाता है, इसका उपयोग अत्यंत सीमित है, यानी कि बहुत पहले यूज किया जाता था, अब इसका उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। अब कुछ सम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, कुछ इंपोर्टेंट हमारे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सम इम्पोर्टेंट में कह रहा है कि पहला इसमें कह रहा है कि MC कॉइल, यानी कि मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। यह कॉइल, इसमें कॉइल घूमता है, ठीक। यह DC मोटर के सिद्धांत अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। ये कह रहा है कि इसका स्केल क्या होता है, एक समान होता है। इसमें परमानेंट मैग्नेट का प्रयोग करते हैं, यह स्थायी तथा और डायनोमीटर प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये दूसरे मीटर की तुलना में क्या होते हैं, महंगे होते हैं। एक स्केल क्या, यूनिफॉर्म स्केल होता है इसका, ठीक है। ये एग्जाम में पूछता है कि मूविंग का इंस्ट्रूमेंट का स्केल कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, लीनियर होता है, नॉन लीनियर होता है, ठीक है। तो लीनियर और यूनिफॉर्म दोनों एक ही टर्म है, नॉन यूनिफॉर्म और नॉन लीनियर दोनों क्या है, एक ही टर्म है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि स्केल क्या होता है, इसमें परमानेंट मैग्नेट का, यानी कि परमानेंट मैग्नेट का उपयोग करते हैं। देखिए इसका कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए थोड़ा सा, ये हमारा क्या होता है अपर कंट्रोल स्प्रिंग, एक ऊपर स्प्रिंग लगा होता है, एक नीचे स्प्रिंग लगा होता है, ठीक। ये मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट स्टील का रिंग होता है, ये जो बाहर से लगा होता है, हमारा क्या होता है सॉफ्ट स्टील का रिंग होता है। ये हमारा क्या है मूविंग कॉयल है, क्या है मूविंग कॉयल है, ये परमानेंट मैग्नेट, ठीक, ये परमानेंट मैग्नेट। ये हमारा क्या है पॉइंटर, यानी कि स्केल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा लोअर स्प्रिंग है, ये कोर है जिसमें करंट फ्लो होगी, हिसाब से मैग्नेट बनेगा, ठीक है। इसमें क्या होती है, इसमें इसी के बारे में पढ़ लीजिए, जो MC कॉइल होता है, ये इसकी शक्ति पॉप शक्ति क्या होती है हमारी, कम ख़त्म करती है, यानी इसमें शक्ति क्या होती है कम ख़त्म होती है, ये विशुद्ध रूप से विश्वसनीय होते हैं, यानी कि बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, मजबूत भी होते हैं, ठीक है। मूविंग ये अस्थाई वाले मूविंग कॉयल यंत्र केवल DC तथा डायनोमीटर वाले AC तथा DC दोनों पर काम करते हैं, मतलब जो MC कॉइल होता है वो AC था DC दोनों सर्किट में काम किया जा सकता है, इस बात का मतलब है। देखिए इससे क्वेश्चन क्या कह सकते हैं, मूविंग कॉइल से इसमें कौन सा मैग्नेट लगा होता है, परमानेंट मैग्नेट लगा होता है, क्या लगा होता है हमारा परमानेंट मैग्नेट लगा होता है, ठीक, परमानेंट मैग्नेट लगा होता है। इसका स्केल यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, तो क्या होता है इसका स्केल यूनिफॉर्म होता है, क्या होता है यूनिफॉर्म होता है, ठीक। आई बात सुनिए, इसका उपयोग क्या करते हैं AC और DC दोनों तीनों, यानी तीन क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें स्प्रिंग किसकी बनती है, प्रॉस्पर ब्रॉज की बनी होती है, चार क्वेश्चन, इन चार क्वेश्चन के अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा तो पढ़ना तो पूरा चाहिए, ठीक है। अगला पढ़ लेते हैं मूविंग आयरन, देखो उसमें क्या था, कॉयल हमारी घूम रही थी, इसमें कॉयल होती क्या स्थिर होती है, AC तथा DC दोनों को मापता है, इसमें परमानेंट मैग्नेट का उपयोग करते हैं। इसका देखिए इसके AC DC ये भी नापता है, इसके स्केल इसका स्केल क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म होता है, क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि पहले हल्का ज़्यादा कसागन होता है, बाद में क्या होता है दूर दूर होता है, ठीक है। आई बस समझ में, इसका स्केल क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म होता है।
यानी कि नॉन लीनियर होता है। ठीक है, MI प्रकार के उपकरण में अरेखीय पैमाने का उपयोग करते हैं। ठीक, AC DC दोनों आपता है। कॉइल क्या होता है, इसका स्थिर होता है, उसमें क्या होता है, मूविंग था। अगला पढ़ते हैं दूसरा, अट्रैक्शन टाइप, ये विद्युत चुंबकीय आकर्षण के सिद्धांत पर क्या कहते हैं, कार्य करते हैं, यानी कि अट्रैक्शन के वह सिद्धांत पर काम करते हैं। अब इसको समझ लीजिए आप लोग, सबसे पहले इस फिगर को, देखिए ये हमारा स्केल दिया है। ठीक, ये हमारा ये स्केल है, ये पॉइंटर है, ये हमारा एयर डैम्पिंग सिस्टम पिस्टन, ये पिस्टन देखिए इसमें बना हुआ स्पीकर, ऐसे मूव करता है तो ये मूव करेगा तो ये यहाँ पे आ गया, सपोज करो यहाँ पे आ गया ये, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और इसको ये क्या कहता है, कंट्रोलिंग वेट है, यानी कि ये हमारा क्या कहते हैं आपका गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली वाला बता रहा है। और ये हमारा क्या है, बैलेंस वेट। ठीक, एयर डैम्पिंग सिस्टम मूविंग आयरन, यानी कि MI टाइप है। ठीक है, रिपल्शन दो प्रकार के हैं, विकर्षण, यह यंत्र समान ध्रुवता वाले विद्युत चुंबकीय ध्रुवों में विद्यमान विकर्षण के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि विकर्षण के सिद्धांत पर काम करता है। जैसे आपको पता है कि अगर दो पोल हैं, एक हमारा N और S है, दोनों का कहते हैं अट्रैक्शन करते हैं, अगर हमारा वहीं N और N है, चाहे एस और एस है, दोनों क्या करेंगे, रिपल्सिव फोर्स होते हैं, क्या होता है हमारा, रिपल्सिव फोर्स होता है, विकर्षण के सिद्धांत पे क्या करता है, वो क्या करता है हमारा, अट्रैक्शन के सिद्धांत पे काम कर रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पे हमारा हमारा पॉइंटर है, हेलिकल स्प्रिंग है, हमारा सेल टाइप अट्रैक्शन मूविंग का है, ये हमारा क्या सिलेंड्रिकल कॉइल है, और ये कॉइल लीड्स है, मेजर टर्मिनल्स का मूविंग आयरन सिस्टम है। ठीक है, कुछ वापक यंत्र, ये हमारा क्या होता है, गैलोनोमीटर होता है, गैलोनोमीटर जो मैंने बताया कि धारा की स्थिति को क्या कर सकता है, दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक प्रकार का धारावी यंत्र है जो बहुत ही कम धारा को माप सकता है, बहुत ही कम धारा को माप सकता है। ठीक है, इसका इस संकेत में क्या करते हैं, जी से दर्शाते हैं। ठीक है, अमीटर, अमीटर को करंट से, अमीटर से क्या करते हैं, करंट मापते हैं। देखो आप लोग ऐसे होता है हमारा अमीटर, देखा होगा इस तरीके से होता है आपको, इसका प्रयोग भी विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है, इसको सर्किट में जोड़ा जाता है, मैंने पहले ही बताया। इसको हम इस तरह किस में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं, देखिए फेज और न्यूट्रल हमारा, फेज और न्यूट्रल हमारा, ये हमारा वोल्टेज, वोल्टेज जिसमें दिखा है वोल्टेज, वोल्टमीटर को पैरेलल में जोड़ा, अमीटर किस में करा, कनेक्ट किया सीरीज में कनेक्ट किया है। ठीक है, इसमें विक्षेपक टार्क धारा से उत्पन्न होता है, यानी कि जो कंट्रोलिंग टार्क होता है उसे धारा से उत्पन्न किया होता है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि गैलोनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए 61 रेजिस्टेंस वाले तार को, यानी कि जो अगर किसी गैलोनोमीटर को अगर उसको अमीटर में बदलना है तो 61 कम प्रतिरोध वाले तार को समांतर क्रम में लगा दिया जाता है, कम प्रतिरोध वाले तार, गैलोनोमीटर है यहाँ पे देखिए, इसके समांतर में क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पर रेजिस्टेंस जोड़ दिया और ये क्या होगा, अमीटर की तरह कार्य करने लगेगा। इसका फार्मूला होता है, इसे एक याद कर लीजिए, एस बराबर IG.G माइनस आई माइनस IIG एस एंड प्रति बहुत कम हाई कम रेजिस्टेंस का मान होता है इसका। ठीक है, देखिए मैं आपको दीजिए आदर्श अमीटर का रेजिस्टेंस, आदर्श यानी कि जो एकदम परफेक्ट जो अमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, शून्य होता है। अमीटर का प्रतिरोध संट प्रतिरोध के संट के प्रतिरोध से कम होता है, जो यानी कि एक तो मैंने बताया कि लगाएंगे वो वही बहुत ही कम रेजिस्टेंस का लगाएंगे, उसके ऊपर भी कि जो अमीटर का रेजिस्टेंस होता है उसके रेजिस्टेंस से भी इसका मान क्या होता है हमारा, कम होता है। एक अमीटर में संट का कार्य क्या होता है, करंट को गुजारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। या एक द्वितीय उपकरण है, यानी कि क्या है हमारा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, वोल्टमीटर के बारे में बात कर लेते हैं, देखिए वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर का हमारा अंदर का संरचना होता है, रेजिस्टर होता है, पैरेलल क्या करता है, हाई रेजिस्टेंस का नापते हैं तभी तो करंट फ्लो करेगा। वोल्टमीटर हमारा, इसका उपयोग वोल्टमीटर में वोल्टेज मापने के लिए जाता है, वोल्टेज को समांतर परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है वोल्टेज, वोल्टमीटर समांतर क्रम में लगा हुआ है। ठीक है, इसमें विक्षेपक टार मापने वाली वोल्टेज के समानुपाती धारा से उत्पन्न किया जा सकता है। गैलोनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए एक उच्च प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में लगा, देखो अगर गैलोनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना है तो उसके श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज में क्या करते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं। ठीक है,
और जितना ज़्यादा रजिस्टेंस लगाएंगे वो वोल्ट मीटर की रेटिंग बढ़ाई जा सकती है, उतना ज़्यादा वोल्टेज माप सकता है हमारा। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपको इसके और भी बचे हुए जो चैप्टर हमारे हैं उसके बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं, बाय, नेक्स्ट ट्यू।